नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। लास्ट टाइम हमने नाइट्रस ऑक्साइड का टॉपिक फिनिश किया है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला इज़ N2O। हमने स्टार्ट में इसका स्ट्रक्चर देखा जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ऑक्सीजन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड इसका स्ट्रक्चर रेजोनेट करके फिर इस तरीके का बन जाता है, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा वी सॉ द प्रिपरेशन टेक्निक्स, एंड फाइनली हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस देखे। आज हम एक नए किस्म के ऑक्साइड को पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसके लिए एक और लफ्ज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी यूज किया जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बिकॉज इसमें सिंगल ऑक्सीजन एंड सिंगल नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसे प्रीवियसली जो आपने N2O पढ़ा था, इसको हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन और सिंगल ऑक्सीजन था। लेकिन इन द प्रेजेंट केस आप देखो कि इसको डाई नाइट्रोजन नहीं बल्कि इसको सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। NO जो है, अगर इसकी आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहो नाइट्रोजन की, इसको आप एक्स एज्यूम करो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसका मतलब है कि NO के अंदर नाइट्रोजन इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +2, जबकि आपने देखा था कि N2O के अंदर, इसमें आपने अगर यही वाली थ्योरीज पे लगाओ, दो नाइट्रोजन का 2x हो गया और एक सिंगल ऑक्सीजन का -2 = 0, तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी नाइट्रोजन की। इसका मतलब ये है कि NO जो है वो N2O की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, यानी नाइट्रोजन को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो वो NO के अंदर चेंज हो जाएगा। आई रिपीट, N2O को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो यानी नाइट्रोजन का चार्ज आप बढ़ा दो तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड अचीव हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ N2O इज गोइंग टू गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, बाकी हम इसके बारे में बातें अब आगे, सबसे इनिशियली जो जिस तरह हमने पहले देखा था स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, अभी हम इसका भी सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर बाकी इसकी जो प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं वो बाद में देखेंगे। इनिशियली जो है, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो एक चीज ऑब्वियस नजर आ रही है कि इसमें और तो कुछ है नहीं, इन दोनों ने आपस में ही बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड्स तो बनेंगे नहीं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास फर्क है नहीं, ये दोनों साथ ही साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूँ। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर इज 7, सो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 and 5। अब मैंने इनके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं आपस में, तो एक तो कोवलेंट बॉन्ड में इन दो से बना देता हूँ, एक में इन दो से बना देता हूँ। अब आप देखो ऑक्सीजन के ऑलरेडी 6 थे, दो बॉन्ड्स बनाने के बाद उसके 8 पूरे हो चुके हैं। एंड नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो इसके ऑलरेडी 5 थे, दो बॉन्ड्स बनाने के बाद इसके 7 हो चुके हैं। अब एक बड़ा क्रिटिकल सा प्रॉब्लम आ गया है कि आप अगर तो 3 बॉन्ड्स बना दो नाइट्रोजन मैं इसको रेड से ही लिखता हूँ, यही पूरा स्ट्रक्चर जो है ये अगर आप 3 बॉन्ड्स के साथ बना दो तो उससे ये होगा कि नाइट्रोजन के बॉन्ड्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यू मेक 1 एक्स्ट्रा बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ आप यूं एक बॉन्ड बना लो तो नाइट्रोजन के 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस तरह ऑक्सीजन के 9 हो रहे हैं, ठीक है। यानी किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो इसको अपने बॉन्ड ज्यादा करने पड़ेंगे या इसको अपने बॉन्ड कम करने पड़ेंगे, अदरवाइज ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। यानी सिंपल ऑक्टेट्स वाली जो थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी थी, ऑक्टेट्स वाली, वो फेल हो गई है। इसका मतलब है इसके लिए कोई नई थ्योरी डेवलप करनी पड़ेगी। NO का स्ट्रक्चर जो केमिस्ट थे उनके लिए भी बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। अगर तो दो बॉन्ड्स हों आपस में तो फिर नाइट्रोजन सेटिस्फाइड नहीं होता उसका वैलेंसी, और अगर 3 बॉन्ड्स आप बना दो तो ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर उन्होंने क्या किया कि इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर की। बॉन्ड लेंथ जो होती है, इट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई
अगर दो एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं तो इनका जो आपस में न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है आपस में, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जो है इसका फॉर्मूला होता है, बॉन्ड लेंथ अगर आपको पता हो तो आप किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर आपने अगर वर्ड नहीं सुना मैं अभी आपको बता देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है, अगर इनका सिंगल बॉन्ड हो तो डेफिनेटली जो साइज होगा मॉलिक्यूल का, मसलन ये 10 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स इनके दरमियान आपस में डिस्टेंस है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इन्हीं दो एटम्स का आपस में दो बॉन्ड्स बना लूँ तो डेफिनेटली साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेट से 9 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स रह जाएगा। और अगर मैं तीन बॉन्ड्स बना दूँ तो ये और करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है, तो आप समझ रहे हो बात को, अभी इनका फासला 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ बॉन्ड लेंथ गिवन हो तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बिटवीन द टू एटम्स, एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब केमिस्ट ने क्या किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर चेक किया और बॉन्ड ऑर्डर से जो कैलकुलेशन हुई उससे पता चला कि द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 2.5, ना दो बॉन्ड्स और ना तीन बॉन्ड्स, ये एक्चुअली 2.5 बॉन्ड्स बनाता है। अब ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो गई कि इस बात का क्या मतलब हुआ। इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर ये एक नाइट्रोजन है, ये एक ऑक्सीजन है, तो दो बॉन्ड्स तो दरमियान में पूरे के पूरे बनेंगे, अलबत्ता जो तीसरा बॉन्ड है वो पार्शली बनेगा। दो प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे और जो तीसरा बॉन्ड है वो पार्शली बनेगा, इस तरीके से कि वो जो नाइट्रोजन का चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ना, ऑक्सीजन के तो 8 हो गए थे, नाइट्रोजन के 7 थे ना, तो यहां से जो ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे, आप ऊपर स्ट्रक्चर में जाके देखो, ऑक्सीजन के ऊपर एक ये और एक ये लोन पेयर अभी भी पड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर्स हैं और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के ऊपर हाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है लोन पेयर के अलावा भी, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं इस पूरे के गिर्द, ठीक है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड कर लेते हैं इस तरीके से कि एक वो बॉन्ड बना हुआ होता है। तो दो बॉन्ड्स तो ये वाले हो गए और तीसरा एक जो बॉन्ड है वो इन पूरी शेयरिंग के साथ बना होता है, या आप यूं समझ लो कि ये जो 7 है इसने 8 में आना है, लेकिन अगर ये 8 होगा तो ये 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ओवरऑल जो ऑक्सीजन के चार्ज में +1 का फर्क पड़ रहा है ना, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें ये होता है कि आप यूं समझ लो कि 7 जो है वो 7.5 में बदल जाता है और 8 जो है वो 8.5 में बदल जाता है, तो ये 8 से दोनों नंबर ज्यादा करीब आ गए। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर एक के 7 और एक के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने दोनों को 8 बनाना है। एक तरीका तो ये है कि एक कोवलेंट बॉन्ड बना दो, अगर एक पूरा कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो उससे ये होगा कि इसमें भी एक ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक ऐड हो जाएगा। अब आप देखो ये तो स्टेबल हो गया, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो बजाय इसके कि आप इसको हाईली अनस्टेबल करो, आप ये करो कि आप इसके अंदर पूरा कोवलेंट बॉन्ड ना बनाओ, यानी एक इलेक्ट्रॉन ना ऐड करो, आप इसका पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड बना दो ताकि 0.5 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ऐड हो जाएं। इससे ये होगा कि 7 वाला 7.5 में आ जाएगा और 8 वाला 8.5 में आ जाएगा। अब अगर आप 7.5 को देखो, ये 8 से सिर्फ 0.5 कम है, यानी इट इज अनस्टेबल, लेकिन बहुत ही कम अनस्टेबल है। इसको आप कहोगे पार्शियली अनस्टेबल। और ये जो 8 है ये भी 8.5 भी 8 के ज्यादा करीब है, इसको आप कहोगे दिस इज पार्शियली अनस्टेबल। ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल विल बी शोइंग स्टेबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ NO लुक्स लाइक। नाउ लेट्स मूव टू प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपने प्रीवियसली ये देखा था कि आप अगर जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर ऐड करो तो आपके पास N2O या नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, साथ वाटर बनता है और साथ जिंक नाइट्रेट बन जाता है, विच इज ZnNO3 होल ट्वाइस। आपने इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया था। आज हम अगेन वही वाली कहानी करने लगे हैं, ठीक है, बट इस दफा जो मेटल होगा वो जिंक नहीं होगा, वो कॉपर होगा। कॉपर के अगर अंदर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें तो कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है, इस तरीके से कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता। इसकी वजह मैं भी आपको बताता हूँ, और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा और उसमें जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ था, इसमें कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। CU+2 होता है, NO3-1 होता है, तो ये 2 इधर नीचे आ जाएगा। पहले तो एक
पूरी इसकी मैं बैलेंसिंग आपको समझा दूँ रिडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मेथड, जिस तरह हमने उस इसे पिछले लेक्चर्स में किया था, रिडक्शन मेथड ऑक्सीडेशन मेथड जो होता है एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। सबसे पहले आप ये देखो कि कॉपर जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जीरो चार्ज है और यहाँ पे कॉपर प्लस टू चार्ज शो कर रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो कॉपर विल ऑक्सीडाइज इनटू Cu टू Cu प्लस टू और साथ दो इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज कर देगा, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में आप देखो बेसिकली नाइट्रेट आइंस जो हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं, नाइट्रेट आइंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता, अलबत्ता ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। अब आपको पता है NO3-1 में आपने पहले भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी नाइट्रोजन की, X-6=-1, X=+5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है। और NO के अंदर आपने ऑलरेडी अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, X-2=0, X=+2, यानी पांच इलेक्ट्रॉन से दो, सॉरी प्लस फाइव चार्ज से प्लस टू में आ गया, यानी तीन इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, तभी तो तीन चार्ज इसका रिड्यूस हो गया। अगर एक NO3 के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएं तो एक NO प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन इन सिंपल फॉर्म। अब आप देखो कि रिडक्शन में तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपको चाहिए, लेकिन ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, दो। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बैलेंस करने के लिए आपको यूं करना पड़ेगा कि ऊपर वाले को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री के साथ ताकि उसमें छह इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हों, और नीचे वाली को आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी नीचे वाले में, ताकि छह इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो जाएं और ये बैलेंस्ड आपके पास फॉर्मूला बन जाए। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं इनके रिजल्ट्स, तो तीन कॉपर्स रिएक्ट करेंगे, सॉरी तीन कॉपर्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तीन Cu प्लस टू के अंदर और साथ छह इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और रिडक्शन रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा कि दो नाइट्रेट आइंस जो हैं वो छह इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके दो नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। अगर अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो जिस तरह आपने लास्ट टाइम किया था, लेफ्ट साइड पे आपके पास कितने ऑक्सीजन हैं, 3, 2 are 6, एंड राइट साइड पे यू हैव ओनली 2 ऑक्सीजन, यानी चार ऑक्सीजन की कमी है, तो चार वाटर मॉलिक्यूल्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये अगेन मैं वही मेथड यूज कर रहा हूँ जो आप एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंसिंग करते हो, एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग का ये रूल होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा वाटर डाला जाता है, और अगर बेसिक मीडियम हो तो हाइड्रोसाइड आइंस डाले जाते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं, तो चार ऑक्सीजन के लिए चार वाटर के मॉलिक्यूल्स डालने पड़ेंगे, लेकिन इसकी वजह से आठ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पे 8H+ आइंस मुझे डालने पड़ेंगे। अब देखो ये पूरी इक्वेशन जो है ये ओवरऑल बैलेंस्ड है, बट अभी कोर प्रॉब्लम जिस तरह पहले भी हो गया था, आठ हाइड्रोजन के साथ दो नाइट्रेट्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे छह नाइट्रेट्स को ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब अगर आप देखो आठ हाइड्रोजन के साथ छः और दो आठ नाइट्रेट्स हैं, तो ये आठ दफ़ा नाइट्रिक एसिड एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा तीन कॉपर्स, ठीक है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों को, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, तीन कॉपर्स और छः नाइट्रेट्स को आप इकट्ठे करके अगर लिखो तो ये तीन दफ़ा कॉपर नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, क्यूप्रिक इज प्लस टू, क्यूप्रिक नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा चार मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के और दो मॉलिक्यूल्स NO के प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। सो अगेन इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन जो अभी आपने बनाया है ये वाला, एंड यू ट्राई टू सी के ऊपर आपने जो चीज बनाई थी वो क्या चीज थी, ये जो रिएक्शन आपने लिखा था जो इसी, यानी डिफरेंस, अभी तो इसको आपने बैलेंस नहीं किया हुआ था ना, इसकी बैलेंसिंग अगर आप करो तो एग्जैक्टली यही चीज बनती है, 3, 8, 3, 4 and 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू मेड एक्चुअली, यही तो आपके पास अभी प्रोड्यूस हो गया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, खुद रिड्यूस हो गया, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होके नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और कॉपर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, और कॉपर जीरो से
प्लस टू के अंदर ऑक्सीडाइज होके चला गया। अब लेट्स कंपेयर द टू रिएक्शंस, एक जो पिछली दफा आपने पढ़ा था और एक जो अभी आपने पढ़ा। बैलेंसिंग को भी हम बात नहीं करते, अभी हम सिंपली ये देखते हैं। पिछली दफा नाइट्रिक एसिड में जिंक ऐड हुआ था और जिंक नाइट्रेट बना था, साथ में वाटर बना था और साथ जो काम की चीज थी वो N2O था या नाइट्रस ऑक्साइड था। इस दफा ये हुआ है कि नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन हुआ है, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना है जिस तरह पिछली दफा जिंक नाइट्रेट बना था, वाटर बना है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, पिछली दफा नाइट्रस ऑक्साइड बना था। अब लेट्स टॉक अबाउट द रीजन कि क्यों ऐसे हुआ कि इस दफा नाइट्रिक क्यों बन गया, पिछली दफा नाइट्रस क्यों बना था। अगर आप नाइट्रिक में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का चार्ज देखो तो इट इज प्लस टू, एंड आप नाइट्रस में देखो तो इट इज प्लस वन। यहां पे तो लेफ्ट साइड पे तो नाइट्रिक एसिड का तो वही है ना, प्लस फाइव ही होता है नाइट्रोजन, यहां पे भी प्लस फाइव, यहां पे भी प्लस फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक ऊपर वाले रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड ज्यादा रिड्यूस हुआ है और नीचे वाले रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड कम रिड्यूस हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर नाइट्रिक एसिड ने चार इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं और नीचे वाले रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड ने तीन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, सिंगल नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर जिंक ने, जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, नीचे वाले के अंदर कॉपर कम ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये वाली बात जो है जिंक और कॉपर का आपस में अगर आप कंपेरिजन करो जिंक और कॉपर का, तो जिंक इज मोर ऑक्सीडाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। और ये आपने बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी ये बात पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जब आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक चीज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके अलावा ईएमएफ सीरीज एंड ये जब सारी चीजें आपने सीखी थी तो उस वक्त आपको लाजमी ये कॉन्सेप्ट दिया गया होगा कि जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है निस्बतन कॉपर के। दोनों केसेस में आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया, लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में चूंकि जिंक ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है तो उसने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड ज्यादा रिड्यूस हो गया और वो ज्यादा रिड्यूस होकर नाइट्रोजन चार इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए उसने, बजाय इसके कि वो तीन करके नाइट्रिक में चेंज होता उसने चार एक्सेप्ट करके नाइट्रस में वो चेंज हो गया, ठीक है, और नीचे आपके पास नाइट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है। ये जिंक और कॉपर दो मेटल्स असल में चेंज करना रीजन थी, ठीक है। कॉपर जो है वो इतना अच्छा तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता जबकि जिंक बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है निस्बतन कॉपर के। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड जिससे आप प्रोड्यूस कर सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। द सेकेंड मेथड इज कि आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को, ये दोनों बेसिकली क्या है, दिस इज एयर, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो अगर आप बेसिकली एयर लो, एयर लो क्या, एयर तो हर जगह होती है ऑलरेडी, और अगर उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक आर्क थ्रो करो, इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है, बिजली की एक चिंगारी, इसके ऊपर चिंगारी एक तो नहीं आपको प्रॉपर एक वो पूरा स्पार्क इसको देना पड़ेगा काफी देर तक, जो तकरीबन 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही हाई टेम्परेचर आपको। अब ये इतना हाई टेम्परेचर बर्निंग से तो आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते, अगर आप किसी चीज को जलाओ तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 1500 1600 तक जाता है, और इवन बहुत बड़े बड़े जो बर्नर्स होते हैं, जो रेवरबेटरी फर्नेस या उस तरह की जो ब्लास्ट फर्नेस, उसके अंदर भी इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक आर्क यूज करनी पड़ती है। इतने टेम्परेचर के ऊपर अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, विच इज बेसिकली टू, दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखो तो टेक्निकली हुआ क्या है कि नाइट्रोजन का चार्ज यहां पे क्या है, जीरो, ऑक्सीजन का क्या चार्ज है, जीरो। NO के अंदर अगर आप देखो नाइट्रोजन का क्या चार्ज है, प्लस टू, ऑक्सीजन का क्या चार्ज है, माइनस टू। तो बेसिकली ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज कर दिया है नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होके प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पे चली गई है और ऑक्सीजन खुद रिड्यूस होके माइनस टू पे चली गई है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक तरह से रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही हुआ है और दोनों मॉलिक्यूल्स मिलके एक ही चीज बना रहे हैं। तो अगेन इसको मैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलूंगा, क्योंकि टेक्निकली ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई मॉलिक्यूल ए और बी मिलके सी बना रहे हो,
एक रिड्यूस होके सी बनाए और एक ऑक्सीडाइज होके सी बनाए, ऐसे रिएक्शंस को कंपोपोशनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एक और रिएक्शन टाइप ऐसी होती है कि सी मिलके ए और बी बना रहा होता है, एक ऑक्सीडेशन के थ्रू और एक रिडक्शन के थ्रू, इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। प्रोपोर्शनेशन ये ऑलरेडी भी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू आपने गुजारा और आपके पास नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ये जो रिएक्शन है इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, बर्कलैंड आइड प्रोसेस। बर्कलैंड आइड प्रोसेस जो है ये 1903 के अंदर प्रपोज किया गया था। ये एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन बर्कलैंड और एक और उनके कलीग थे सैम आइड। इन दोनों ने मिलकर ये मेथड प्रपोज किया था। ये मेथड ये था कि आप एयर से अगर नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करना हो तो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो एयर को वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर रखते थे और उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करते थे, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता था, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन एयर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर वाटर के अंदर ऐड किया जाता है और इससे आपके पास नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लिया जाता है। ये जो एग्जैक्टली प्रोसेस और डिटेल्स हम इससे आगे नाइट्रिक एसिड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मेथड है ये 1910s के अंदर यूज होता था, बट इट इज अ हाईली इनएफिशिएंट मेथड। ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, दिस इज इनएफिशिएंट मेथड। ऑल्दो आपकी बुक के अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि यही वाला मेथड एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मली जो आजकल प्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रिक एसिड जो आजकल प्रोड्यूस किया जाता है वो इस बर्कलैंड आइड प्रोसेस से नहीं किया जाता, बल्कि हेबर्स प्रोसेस और ऑस्ट्रेल्स मेथड इसके लिए यूज किया जाता है। इन दो प्रोसेसेस के थ्रू नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, बट समहाउ आपकी बुक के ऊपर ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोसेस इन डिटेल। उसका जो पहला स्टेप है उसमें बेसिकली यही हो रहा होता है कि नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस यूज होता है, तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस इसी तरीके से किया जाता था उसके अंदर इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू। दिस इज इट फॉर टूडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड।